औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। मौजूद नाज़रीन, सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं प्रोग्राम अहकाम इस्लामी, जिसके ज़रिए हम बहुत सारे सवाल आपके लेते हैं और कुछ मौजूदात भी डिस्कस करते हैं। कबल इसके कि हम इस प्रोग्राम का आगाज़ करें, इस हदीस मुबारक को पेश करते हैं। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि हमारे कायम अलैहिस्सलाम को मेहंदी भी कहते हैं, क्योंकि वो लोगों को उस चीज़ की तरफ हिदायत करेंगे जिसको वो गुम कर चुके होंगे। तो हम हर रोज़ आपकी खिदमत में यह हदीस पेश करते हैं। आइए इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हुजरतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अली जनाब मौलाना मुस्तफ़ा अली ख़ान अदीबुल हिंदी साहब क़िबला जी। अस्सलामु अलैकुम। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अगर सवाल पहले ये कि सलाम अलैकुम, अलैकुम अस्सलाम, इन्होंने सवाल किया कि अगर हम आपको खुम्स भेजना चाहें तो किस तरीके से भेज सकते हैं, और इसमें दोनों ही मतलब सहम इमाम भी और सहम सादात हो तो ये किस तरह से आप तक पहुंचाया जाए और कैसे इत्तला हम तक पहुंचेगी? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला सय्यदना मुहम्मद व आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन। ज़ाहिर है कि खुम्स का आज के दौर में खुम्स अगर कोई इंसान निकाल कर कहीं पहुँचाना चाहे तो जैसा कि हर दिन हम कहते हैं कि हमारे प्रोग्राम्स के नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उसमें अकाउंट्स की डिटेल्स मौजूद हैं, जो भी आपके लिए सहूलत वाला हो वहाँ भेज सकते हैं और उस पर बस मेंशन कर दें कि ये खुम्स है और उसकी रसीद उन तक पहुँच जाएगी, या जिस मुल्क में हो वहाँ मर्जा अली कज़ातुल्लाह अलुज़मा से सादिक़ हुसैनी शिराज़ी के वकील या उनके दफ्तर तक इस चीज़ को पहुँचाया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम। अलैकुम अस्सलाम। भाई आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस खूबसूरत प्रोग्राम को लेकर आएँ। मेरा सवाल ये है कि क्या लेडीज़ किसी गैर मर्द से अल्ट्रासाउंड के बारे में, उनका सवाल है कि यहाँ हमारे यहाँ कोई भी दूसरा डॉक्टर नहीं है तो उसको लिए क्या हो? इस ज़ाहिरन किसी और एपिसोड में भी ये सवाल आया था और हमने अर्ज़ किया था कि अगर बेहतर तो ये है कि खातून का अल्ट्रासाउंड या इस तरह के जो मामलात होते हैं जिसके अंदर जिस्म पे निगाह पड़ेगी वो खातून ही अंजाम दे, लेकिन मसला ऐसा है कि जैसे किसी इलाके में जहाँ नहीं है कोई लेडी अंजाम देने के लिए नहीं है और कोई और रास्ता भी नहीं है और अल्ट्रासाउंड होना ज़रूरी है या इलाज होना ज़रूरी है, तो ऐसे में जहाँ तक जितने हिस्से पर ही ज़रूरत है उतने हिस्से पर निगाह डाली जाएगा, बगैर निगाह डाले किया जा सकता है। जैसे कि अल्ट्रासाउंड में आमतौर से होता है कि वो स्क्रीन की तरफ देख रहा होता है और ज़्यादा उसका ताल्लुक जिस्म की तरफ देखने से नहीं होता है, तो जितना हिस्से की ज़रूरत है बस उसी पे निगाह करे और बाकी हिस्सा उसे छुपा रहे, और अगर मिसाल के तौर के ऊपर कोई और रास्ता नहीं है तो फिर इस काम के लिए कोई हर्ज नहीं है। तो नाज़रीन एक बहुत खूबसूरत मैसेज भी है उन लोगों के लिए कि जो ख़वातीन की इल्म के लिए शायद वो रोकते हैं कि औरतों का काम है सिर्फ घर में रहना यानी खानादारी करना और उनको इल्म से दूर रखा जाए। आप देखते हैं दुनिया में आजकल बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको जो शरीयत का नाम लेकर ख़ासतौर से गर्ल्स के लिए और उन बच्चों के लिए इल्म से रोकते हैं कि दुनियावी इल्म शायद नहीं है। आज ज़रूरत इस बात की है कि अगर इस तरीके से हमारी ख़वातीन इल्म को हासिल नहीं करेंगी यानी खुसूसन मेडिकल साइंस की तरफ नहीं जाएंगी, वो लोग वो ख़वातीन जो इस अमराज की तरफ बढ़ती हैं खुसूसन अमराज निस्वा के लिए, तो उनके लिए डॉक्टर कौन फराहम करेगा? तो इल्म के लिए भी शायद एक इससे खूबसूरत मैसेज नहीं हो सकता आगा। तो आज खुसूसन मैं गुजारिश करूँगा उन तमाम नाजरीन से कि अपने बच्चों को तालीम ज़रूर दिलवाएँ और खुसूसन गर्ल्स के लिए यानी उनकी अगर बच्चियाँ हैं तो उनको तालीम की तरफ ज़रूर आगे बढ़ाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामुअलैकुम मौलाना साहब, मैं 2 बजे रात तक पढ़ाई करता हूँ और क्या मैं उसी वक्त नमाज शब को पढ़ सकता हूँ? क्या हुक्म है इसके लिए? नमाज शब का वक्त जो है वो निसफ शब से लेकर अजान सुबह के बीच का किसी वक्त भी पढ़ी जा सकती है, जितना सुबह से नज़दीक उतना बेहतर है, उसकी फजीलत बढ़ेगी, लेकिन निसफ शब शरई से लेकर अजान सुबह तक किसी भी वक्त में भी इंसान नमाज को पढ़ सकता है। लिहाजा अगर ये 2 बजे रात तक जाग रहे हैं तो यकीनन निसफ शब शरई के बाद का वक्त है, बिल्कुल नमाज शब पढ़ सकते हैं। इसमें एक और सवाल भी अक्सर करते हैं लोग के वो बहुत नींद का ज़्यादा गलबा होता है और बिल्कुल आँख नहीं खुलती और वो सुबह को की नमाज को किसी तरह भी उठा जा सकता है, तो क्या ऐसा शख्स सोने से पहले भी इस नमाज को अदा कर सकता है?
बिल्कुल, अगर मिसाल के तौर पर निसफ शब तक नहीं जाग सकता है, और ये भी मालूम है कि अगर हम नमाज सुबह से थोड़ा पहले उठेंगे तो इतना नींद का गलबा होगा कि सही से नमाज नहीं पढ़ सकता है, तो नमाज इशा के बाद किसी वक्त भी कसद रजा की नीयत से नमाज शब को पढ़ सकता है, कोई हर्ज नहीं है। एक और काम भी कर सकता है कि सुबह के बाद नमाज सुबह पढ़ने के बाद कज़ा की नीयत से भी नमाज शब को पढ़ा जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत फजीलत है, और ख़ास तौर से नमाज शब के लिए उम्मीद करते हैं कि आप ज़रूर इसको अंजाम देंगे। एक और सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सलामुन अलैकुम, मेरा सवाल यह है मौलाना साहब कि वो लड़की जो हदीस पढ़ती है तो क्या वो ब्यूटीशियन का कोर्स कर सकती है या नहीं? देखिए, खुद कोर्स करने में कोई हर्ज नहीं है, चाहे वो हदीस पढ़ती हो चाहे हदीस ना पढ़ती। हदीस पढ़ने से मुराद ज़ाहिरन मजालिस का खिताब करना है, तो कोई हर्ज नहीं। यानी हुक्म शरई एक आलिम के लिए और एक आम इंसान के लिए या एक मिसाल के तौर पे किसी और के लिए फ़र्क नहीं पड़ता। जो हुक्म शरई मेरे लिए है बनवाने एक तालिब इल्म, वही हुक्म शरई आपके लिए बनवाने डॉक्टर, वही हुक्म शरई हमारे नाज़रीन के लिए जो मुमकिन उनमें से कोई डॉक्टर हो, कोई इंजीनियर हो, कोई आम इंसान हो, कोई खेती बाड़ी करने वाला हो, इसी तरह ख़वातीन के लिए कोई आलिमा है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई घर में खानादारी कर रही है, सब के लिए हुक्म शरई एक रहेगा, हुक्म शरई तब्दील नहीं होता। हाँ, मुमकिन है कुछ चीज़ें ऐसी हों कि जो मिसाल के तौर उर्फ में अच्छी ना समझी जाती हो। मिसाल के तौर पर एक तालिब इल्म के लिए अच्छा नहीं है कि वो मिसाल के तौर पर ऐसे लिबास में सड़क पर गुजरे जो पसंद ना किया जाता हो, या एक तालिब इल्म के लिए ज़ेबा नहीं देता एक आलिम दीन के लिए कि वो सड़क पर खड़े होकर मिसाल के तौर पर सिगरेट पी रहा हो मसलन, या किसी पान की दुकान पर खड़े होकर पान खा रहा हो, क्योंकि ये चीज़ मसलन उसके जो हैबत है, वजूहत है, उसको ख़राब, वजाहत है, उसको ख़त्म करेगी और वक़ार को मजरू करेगी, तो इस काम को हराम नहीं है लेकिन उसकी शख्सियत के ख़िलाफ़ है। इसी तरह लेकिन बहुत से काम ऐसे, इल्म जहाँ तक हासिल करना है, इल्म हासिल करने में ब्यूटीशियन का कोर्स करना चाहती है कि दीगर ख़वातीन के लिए मिसाल के तौर पर जो सिंगार करना चाहती हैं, मेकअप करना चाहती हैं, और शरण उसमें कोई कबाहत नहीं है, बिल्कुल कर सकते हैं, बस शरई मवाज़ीन का ख्याल रखना है और उसके अलावा कोई और जिम्मेदारी नहीं है, बिल्कुल कर सकती है, कोई हर्ज नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामुन अलैकुम। अलैकुम अस्सलाम। मेरा सवाल यह है कि जब खुम्स की डेट आई और उस वक्त मोबाइल में बैलेंस है जो रिचार्ज करवाया था, और उसके अलावा व्हीकल में जो भी पेट्रोल होता है, क्या उस पर भी खुम्स निकालना पड़ेगा? नहीं, मर्जा अली खजरतम से सादिक हुसैन शिराजी अदामज़ल्लाह का नज़रिया ये है कि ये जो इस तरह की चीज़ें होती हैं, मिसाल के तौर पर बैलेंस है 100-200 रुपए भी उसके अंदर पड़े हुए हैं, ये आपका साल का खर्च है, बिलखरे ये मोबाइल यूज़ हो जाएगा, या मिसाल के तौर पर गाड़ी में कुछ लीटर पेट्रोल है, या घर में थोड़ी सी दाल है, थोड़ा सा चावल है, ये जो साल के खर्च के बाद अभी 4-5 दिन में ख़त्म हो जाएगा, दोबारा आपको ख़रीदना पड़ेगा, तो ये चीज़ें जो इस तरह की बचती हैं इनका खुम्स वाजिब नहीं होता। हाँ, कोई इंसान जो है मिसाल के तौर के ऊपर 100 लीटर पेट्रोल ला के रख ले अपने पास किसी कंटेनर में कि ये हम यूज़ करते रहेंगे, तो ये रोज़ का खर्च नहीं है, ये बहरहाल वो आगे अगले साल की प्लानिंग करके अपने पास रख रहा है, तो उसके ऊपर खुम्स वाजिब हो जाएगा। या मिसाल के तौर के ऊपर टनों में वो चावल ख़रीद के रख ले, या टनों में गेहूँ ख़रीद के रख ले कि धीरे धीरे इस्तेमाल होता रहेगा, तो इसके ऊपर खुम्स वाजिब हो जाएगा। लेकिन रोज़मर्रा में थोड़ा सा बैलेंस बढ़ा हुआ है, थोड़ा सा दाल रखी हुई है, थोड़ा सा चावल रखा है, थोड़ी सी प्याज रखी है, थोड़ा सा गाड़ी में पेट्रोल रखा है, इसके ऊपर खुम्स वाजिब नहीं होता। बहुत शुक्रिया। आगा सलामुन अलैकुम। मेरा सवाल यह है कि जमाखोरी, और ख़ुसूसन जैसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लोग पूरे एक महीने या 2 महीने या 6 महीने का राशन या उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें ख़रीद के ले आते हैं, क्या ये इसकी ममानियत है? मैंने सुना है कि एक आलम दीन जो रोज़ हर वक्त का खाने के जो सामान ख़रीदवा के मंगवाया करते थे और कहा करते थे कि इसको जमा नहीं करना चाहिए, इसके लिए ख़ुसूसन हमारे यहाँ गुफ्तगू भी होती है कि ये आदाब में सही नहीं है, तो इसका क्या हुक्म शरई है? नहीं, इन्होंने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया वो लफ्ज़ यहाँ पे सही नहीं है। जमाखोरी इसको नहीं कहते हैं, जमाखोरी का मतलब ये है कि इंसान एहतिकार करे, स्टॉक करे, और स्टॉक का हदफ ये हो कि लोगों के लिए उसकी कीमत बढ़े और बड़ी कीमत के ऊपर उसको बेचे, खुसूसन वो चीज़ें जो लोगों की रोज़ाना की ज़िंदगी की ज़रूरत है। मसलन कोई इंसान गेहूँ ख़रीद ले और बाज़ार का सारा गेहूँ ख़रीद के अपने पास स्टॉक कर ले, लोगों को ना बेचे कि इसकी कीमत बढ़ जाए, जो आजकल की दुनिया में चीज़ें और इसको ब्लैक मार्केटिंग भी के उस तिला से इस्तेमाल किया जाता है, तो स्टॉक करना ये जमाखोरी होता है। यानी इंसान किसी चीज़ को जमा कर ले,
जो लोगों की ज़रूरत की उसके बाद अपनी कीमत के ऊपर उसको बेचे, इसको शरीयत जायज़ नहीं कर देती, बल्कि अगर हुक्म शरई हो और हाकिम शरिया को इजाज़त मिल जाए और हुकूमत उसके कंट्रोल में हो तो वो उसको बिल्कुल इजाज़त है कि वो इनके गोदामों पर कब्ज़ा करके जो असल कीमत है उसके ऊपर लोगों के दरमियान उसको बेच के असल पैसे इनको वापस कर दिया गया। यानी हुकूमत उनके पैसे को नहीं जब्त करेगी लेकिन उनके गोदाम को जब्त करके लोगों को जो ज़रूरत है उसकी ज़रूरत की कीमत के लिहाज से बेच कर पैसे इनको सालब तक वापस कर देगी। यहाँ तक सवाल का मसला यह है कि क्या घर में स्टॉक करने में कोई हर्ज है, यानी अपनी ज़रूरत के लिए स्टॉक करना। जी मिसाल के तौर के ऊपर, मिसाल के तौर पे अभी गेहूँ सस्ता है, मेरे साल भर की ज़रूरत मिसाल के तौर पे 100 किलो, मैं 100 किलो गेहूँ खरीद लूँ, इसमें कोई हर्ज नहीं है। इस अगर इसको किसका हदफ ये है कि मैं अपने ऊपर खर्च करना चाहता हूँ, अपने घर वालों के लिए खर्च करना चाहता हूँ, अभी मैं ख़रीद सकता हूँ, कल मैं ख़रीद ना पाऊँ, तो इस तरह की चीज़ों का ख़रीदना जो अपने इस्तेमाल के लिए है और अपने घर वालों के इस्तेमाल के लिए वलो स्टॉक में है, साल भर का स्टॉक, हत्ता 2 साल का स्टॉक ख़रीदना चाहता है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। जमाखोरी से मुराद वहाँ है जहाँ अवामुन्नास के दरमियान ज़रूरत वाली चीज़ को स्टॉक करना ताकि उसके रेट इंक्रीज़ हो सकें, इसको शरीयत ने मना किया है। अलबत्ता बाज़ बुज़ुर्गान औरफा किया, ये हमने फ़िक़ी मसला बयान किया, अब आप इरफान में आएँ कि इंसान को खुदा से तवक्कुल रखनी चाहिए और तवक्कुल करना चाहिए, लिहाजा बहुत ज़्यादा चीज़ों को जमा नहीं करना चाहिए, जो आज रोज़ी पहुँचा रहा है वो कल भी रोज़ी पहुँचा सकता है, ये एक अलग दर्जा है। तो फ़िक़ यहाँ पर आके दखालत नहीं करती है, अगर कोई इंसान स्टॉक करना चाहता है अपने घर वालों के खाने के लिए तो कोई हर्ज नहीं है, कर सकता है, लेकिन बेहतर यह है कि इंसान ज़रूरत से ज़्यादा या लोगों की निगाह में आने वाला जो अमल होता है उससे परहेज़ करे ताकि दूसरों के लिए भी सबब ज़हमत ना हो। बहुत शुक्रिया। मुबीन हैदर साहब ये सवाल करते हैं कि अगर खुम्स की डेट के वक्त मुझे अपने बच्ची की फ़ीस जमा करना है, मेडिकल की पढ़ाई है और बहुत ज़्यादा फ़ीस है होती है, और खुम्स की डेट आ गई, उसके 2 दिन के बाद मुझे फ़ीस जमा करना है, तो अब मुझे क्या करना है, क्योंकि उस दिन का जो इतना पैसा है वो जमा है और फ़ीस जमा करने के लिए, ये अक्सर करके सवाल लोग करते हैं, तो इसके लिए क्या हुक्म शरई है? देखिए इस तरह के मसाइल में, क्योंकि ये जो फ़ीस है बच्चों की या किसी और चीज़ का मसला है, किस्त है वगैरह, ये साल के खर्च में आता है, तो बेहतर तो ये है कि अपने खुम्स की डेट से पहले, अवलन तो बेहतर ये कि खुम्स की डेट से पहले देखो कि फ़ीस है, आप पहले भी जमा कर सकते हैं, तो लिहाजा आप जाके जमा कर दें, फिर जो बचा हुआ पैसा है उसके ऊपर आप खुम्स निकालेंगे। ये अगर मिसाल के तौर के ऊपर 1-2 दिन का मसला है तो इतना बड़ा मसला नहीं है, लेकिन अगर ज़्यादा का फासला, मिसाल के तौर पर आज खुम्स की डेट है, 2 महीने बाद फ़ीस जमा करनी है, तो अगर इस वक्त पैसे जमा हैं तो फिर उसके ऊपर खुम्स निकालना ज़रूरी हो जाएगा, क्योंकि वो साल के खर्च में बहरहाल अगले पिछले साल का जो इंक्लूडेड है वो खर्च है वो उसमें आता है। तो उसका तरीका ये है कि अगर बहुत नज़दीक है तो पहले से जाके या तो जमा कर दे ताकि खुम्स के वक्त उसको परेशानी ना हो, या फिर हाकिम शरा से इजाज़त लेकर इस काम को अंजाम दे। बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरा सवाल भी खुम्स से रिलेटेड, उन्होंने कहा कि अगर कोई शख्स इजाज़ा ले लेता है मर्जा अली कद्र से, किसी भी मर्जा से, तो क्या उसे हर साल किसी चीज़ के लिए इजाज़ा उसने ले लिया मसलन, और हर साल खुम्स लेने के लिए हर साल इजाज़ा देना पड़ेगा? देखिए इजाज़े चूँकि मुख्तलिफ होते हैं, लिहाजा हर इजाज़े पे उसकी डेट के लिहाज से तय होता है, यानी मर्जा ने जब उसको इजाज़ा दिया है तो किस तरह का इजाज़ा दिया है। बाद मुमकिन अमूर हिजबिया में कुल्लन इजाज़त उसको दी है कि अपने इलाके में जिस तरह चाहे वो अमूर को अंजाम दे। बाज़ इजाज़े जो होते हैं निस्फ के होते हैं, यानी निस्फ रकम वो अपने हिसाब से अपने इलाके में खर्च करेगा, निस्फ रकम मर्जा अली कद्र तक वापस पहुँचाएगा। बाज़ सुल्स का होता है, बाज़ सिर्फ इसलिए आपको इजाज़ा दिया गया कि आप कलेक्ट कर सकते हैं। बाज़ मसलन इंस्टीट्यूशंस को इजाज़ा दिया जाता है कि मसलन वो खुम्स की रकम लेकर अपने उमूर को अंजाम दे सकते हैं। तो ये इजाज़े पे डिपेंड करता है किस तरह का इजाज़ा है, और उसकी डेट ऑफ एक्सपायरी अगर उन्होंने मेंशन की है तब तो वो डेट ऑफ एक्सपायरी रहेगी और उसको दोबारा तमदीद करना पड़ेगा, लेकिन अगर उन्होंने मेंशन नहीं की है तो जब तक उस मर्जा की ज़िंदगी और अक्ल सालिम है तब तक ये इजाज़ा भी उसी तरह अमल करता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन आपके सवालात के लिए जो ये नंबर है उस पर आप सवाल भेज सकते हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सवालात आगा की खिदमत में रखे जाएं। सवालों का सिलसिला बिहम्दुलिल्लाह जारी है। आगा एक और सवाल जो है, सलामुन अलैकुम, अलैकुम अस्सलाम, इन्होंने क्रिप्टो करेंसी के बारे में पूछा है, इसका क्या हुक्म शरई है, क्या ये सही है हराम है? क्रिप्टो करेंसी के नज़र के सिलसिले में भी मर्जा आले कदर हज़रत आयतुल्लाह उज़्मा से सादिक़ हुसैन शिराज़ी का नज़रिया ये है कि इसकी ख़रीदो फ़रोख्त जायज़ है, बिल्कुल जैसे कि शेयर मार्केट और दीगर जो मिसाल के तौर के पर अर्ज़ होती है, अर्ज़ यानी एक्सचेंज होते हैं, यानी फॉरेन करेंसीज़ होती हैं, बिल्कुल उसी तरह ये करेंसी का भी ख़रीदो फ़रोख्त जायज़ है, इन्वेस्टमेंट भी जायज़ है, किया जा सकता है, कोई हर्ज नहीं है। बहुत शुक्रिया।
सलाम अलैकुम, मौलाना साहब क्या किसी नॉन मुस्लिम के हाथ का बना हुआ खाना खाया जा सकता है, इसके लिए जवाब दे दीजिए। देखिए, जहाँ तक मसला ये है कि हाथ का बना हुआ खाना किसी गैर मुसलमान का खाया जा सकता है या नहीं, तो इसके अंदर एक मसला ये रहता है कि अव्वलन वो ज़बीहा, मिसाल के तौर पर अगर गोश्त की चीज़ है तो वो ज़बीहा किसने अंजाम दिया है। एक दफ़ा है कि आप खाना फराहम करते हैं, वो पकाता है खाली, एक दफ़ा है कि नहीं, वो ज़बीहा भी वही अंजाम दे रहा है, गोश्त भी वही ला रहा है, तो यहाँ पर मसला दूसरा हो जाएगा। तो अगर ज़बीहा शरई है यानी मुसलमान ने अंजाम दिया, सिर्फ ये पका रहा है, तो हुक्म दूसरा है। अगर यही किसी ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ उसी ने सारे काम अंजाम दिए, तो हुक्म दूसरा है। तो अगर हम इस सूरत हाल को लें कि ज़बीहा हमारा है यानी हमारे घर में हमने खुद जाके गोश्त को फराहम किया है, चीज़ों को फराहम किया है, सिर्फ पका रहा है, तो इस सूरत में कि इसका हाथ रुतूबत के साथ चीज़ों तक ना पहुँचे, मसलन ग्लव्स पहन के काम करें, तो इसके हाथ का खाया जा सकता है, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर ग्लव्स के बगैर काम कर रहा है और यकीनन रुतूबत के साथ उस चीज़ तक हाथ पहुँच रहा है, तो फिर चूंकि खाना नजिस हो जाएगा और नजिस खाने को जायज़ नहीं करार दिया गया है, लिहाजा फिर उससे इज्तनाब करना ज़रूरी है। दूसरी सूरत हाल में कि जहाँ सामान भी वही फराहम कर रहा है, तो वहाँ ज़बीहे का हुक्म ये आ जाएगा कि फिर जो नॉन वेज चीज़ें हैं, चूंकि उनके ज़बीहा साबित नहीं है, लिहाजा उससे परहेज़ करना पड़ेगा। जो वेज आइटम है उनके लिए भी वही हुक्म फिर से आ जाएगा कि अगर उसके हाथ लग रहे हैं डायरेक्टली उसमें रुतूबत के साथ, तो उससे परहेज़ करना पड़ेगा। लेकिन अगर हाथ नहीं लग रहा है किसी भी वजह से और किसी भी तरीके से, तो फिर उसको खाया जा सकता है। अगर एक सवाल इसमें यह है कि कोई शख्स इस्लाम कबूल कर लेता है, लेकिन बहुत कम लोग हैं, किसी से उसने डिक्लेयर नहीं किया है मलयाम में, लेकिन उसका नाम वही है। अब एक शख्स जिसने नाम से उसको बुलाया और दूसरा शख्स, क्या उससे पानी पीना या खाना खाना इस तरह से कराइए, तो वो ख़ुद को डिक्लेयर ही नहीं कर रहा है कि मैं मुसलमान हो गया, लेकिन कुछ लोग जानते हैं कि मुसलमान हो, इसके लिए क्या हुक्म होगा? देखिए, नाम से तो इस्लाम का कोई ताल्लुक है नहीं, नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, उसका मतलब नहीं। असल ताल्लुक इस्लाम का जो है वो आपके अकीदे से, यानी आपका ईमान क्या है, आप किस चीज़ को बिलीव करते हैं। नाम आपका कुछ हो, तकिये में आप हैं, या आपने नाम नहीं तब्दील किया है, या अभी शो नहीं कर सकते, जो भी मसाइल हैं। लेकिन जो लोगों को मालूम है कि ये इंसान मुसलमान है, बोलो इसका नाम मसलन गैर मुसलमानों वाला है, लेकिन ये नया मुसलमान, तो वो उसके लिए, उनके लिए कोई मसला नहीं है। बोलो उसको असली नाम से, उसके उसी नाम से पुकारें जो गैर मुस्लिम नाम है उसका, कोई हर्ज नहीं, क्योंकि नाम से शरीयत किसी चीज़ का फैसला नहीं करती। अगर उसने इस्लाम कबूल कर लिया है, तो उसका नाम बदलने की ज़रूरत नहीं है। जिसको पालूम है, उसके लिए उसके ऊपर अमल करने में कोई हर्ज नहीं है, उसके लिए बिल्कुल मुसलमान के तमाम अहकाम पर वो अमल करेगा और कोई हर्ज नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मैं कॉमर्शियल बैंक में, इस्लामिक बैंक में जॉब करता हूँ, और उस पर तमाम करेंसी आती जाती रहती है, तो क्या इस तरह के अमल उसमें कभी कभी जो लोग हम कब को ब्याज के तौर पर उसको रकम को देने के लिए कहते हैं, तो ऐसा अमल करना क्या जायज़ है या नहीं? देखिए, अब आप जब इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम की बात करें, तो उसके अंदर तो सूद लेना और देना दोनों सही नहीं है। तो अगर आप इस्लामिक बैंक में काम कर रहे हैं और उसके तमाम जवाबित पर अमल कर रहे हैं, तो वहाँ सूद पे या ब्याज पे कोई चीज़ लेना देना जायज़ नहीं है। जो सिस्टम बैंकिंग का सिस्टम, उसी की तरह से अमल अंजाम दिया जाएगा। अलबत्ता मुजारबा, यानी एक इंसान इन्वेस्टमेंट करे या बैंक इन्वेस्टमेंट करे किसी इंसान के साथ, और फिर दोनों पार्टनर्स बन जाएँ, 1%, 2%, 10% जो पार्टनर्स परसेंटेज में होनी चाहिए, परसेंटेज उस पर पार्टनरशिप करने के साथ बिजनेस करें, तो कोई हर्ज नहीं है। वलो उसके अंदर फ़ायदा नुकसान हो, लेकिन इस तरह से पहले से तय करना कि 2.5% ब्याज लूँगा, 3% ब्याज लूँगा, 10% ब्याज पे हमें पैसे दे दीजिए या लोन दे दीजिए, ये शरण सही नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अगर हम एक किसी मुस्लिम खातून को जानते हैं, तो क्या वो पूरे हिजाब में भी रहती है, तो क्या उसके फ़ोटो देखना जायज़ है या नहीं? किसी भी खातून का, चाहे वो मुसलमान हो या गैर मारूफ हो या मारूफ हो, यानी जानते हों आप उसको या ना जानते हो, अगर वो मुसलमान है और ना महरम है, तो उसके फ़ोटोज़ देखना जायज़ नहीं है। मगर ये कि वो हिजाब के साथ हो, सिर्फ शक्ल दिख रही हो, और उसका हदफ भी कोई ख़ास हदफ हो, मिसाल के तौर पे पासपोर्ट बनना है, मिसाल के तौर पे कोई शादी का कोई मसला है, या इस तरह कोई मसला है, तो अगर बग़ैर हिजाब के तस्वीर है और सिर्फ उतना चेहरा खुला हुआ है जितना जायज़ है खोलना, और बग़ैर मेकअप के है, तो उस तस्वीर को देखा जा सकता है, वरना उससे परहेज़ करना चाहिए। अगर ये भी सवाल बड़ा अच्छा सा है कि लोग अक्सर गुफ्तगू करते हैं
इनका सवाल ये है कि जो लोग अपने दोस्तों के दरमियान अपनी इंटरनल बातचीत को मलयालम में पेश करते हैं, तो ये कैसा है, इसके लिए क्या मुमानियत है, ये हराम है या इसके क्या हो? देखिए, इंसान को कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हराम नहीं कही गई हैं शरीयत में, लेकिन अक्ल का तकाजा ये है कि इस काम को अंजाम नहीं देना चाहिए। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो बात दो आदमियों के बीच में ख़त्म हो सकती है उसे तीसरे तक नहीं पहुंचाना चाहिए, या अपने घर, अपने रमूज़ को, अपने सफ़र को, अपने घर की बातों को, अपने महारिम के साथ की जाने वाली बातों को दूसरों तक पहुंचाना सही नहीं है। कल किस वक्त आपकी कौन सी इन्फॉर्मेशन इस्तेमाल हो जाए हम कुछ जानते नहीं। आज के इस दौर में तो आसानी है कि कौन सी तस्वीर कब किसकी इस्तेमाल हो जाती है, और उसको पता भी नहीं होता कि मेरी तस्वीर ऐसी खींची है। तो उस तरह के मामलात के, अपने दोस्तों के बीच में अपने घर के मामलात को डिस्कस करना या अपने रमूज को बयान करना शरअन मुमकिन है। हम कह दें कि इसमें कोई कबाहत नहीं है, लेकिन अकलन और अखलाकन ये अमल सही नहीं है और उससे इज्तनाब करना चाहिए, क्योंकि मुमकिन है आप अपने हिसाब से बयान करें, लेकिन मिसाल के तौर पर आपकी जौजा की कोई बात उसमें आ रही है या आपके ख़ानदान की कोई बात उसमें आ रही है, तो फिर वो गीबत के हुक्म में आ जाएगा या बहतान के हुक्म में आ जाएगा, लिहाजा उससे इज्तनाब करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब, मैं बहुत परेशान हूँ और अक्सर करके मेरे जहन में सुसाइड करने का ख्याल आता रहता है, तो इसको किस तरह से दूर किया जाए, कोई अमल कुछ इस तरह का बताएं ताकि दिल को सुकून भी मिले और इस तरह के ख्यालात को दूर किया जा सके। कुरान मजीद में खुदावंद आलम इरशाद फरमाता है अला बिज़िक्रिल्लाह ततमय्यनुल क़ुलूब, अल्लाह का जिक्र क़ुलूब को इत्मीनान दिलाता है। तो आपके लिए बेहतरीन चीज़ ये है कि आप कुरान की तिलावत करें तर्जमे के साथ और तवक्कुल करें खुदा पर। कोई भी मसला अगर सामने आए तो उसको हम इस तरह से देखें कि इस मसले को मैं किस तरह से हल कर सकता हूँ, इस मसले को मैं हल कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। अगर मैं हल कर सकता हूँ तो सही और कोशिश की जाए कि उसको हल किया जाए। अगर एक मसला ऐसा है कि इसको मैं हल नहीं कर सकता हूँ और मेरे बस का नहीं है, तो फिर उसके ऊपर रंज व गम और गुस्से की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से भी अपने मामलात को सही कर सकते हैं उस तरह से उस मामले को सही करें। तीसरी बात यह कि हमें इस बात पर यकीन रहना चाहिए कि खुदावंद आलम हमारा खालिक है और खुदावंद आलम अलीम भी है और हकीम भी है, जानता भी है और हिकमत रखता है। लिहाजा उस पर ईमान के साथ अपनी ज़िंदगी को तवक्कुल और तवस्सुल के साथ आगे बढ़ाएं, यकीनन वो आपके लिए रास्तों को फराहम करेगा। तो जिक्र खुदा, तवक्कुल और तवस्सुल और आइमा अलैहिस्सलाम से तवस्सुल के ज़रिए से अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करें और खुदा पे भरोसा रखें, आइमा से तवक्कुल करें, इंशाल्लाह यकीनन यकीनन आपके मामलात सही होंगे। और इस तरह की ये शैतानी वसवसा मोमिन को शैतान किसी भी तरह से भटका सकता है। ज़रूरी नहीं कि हर एक को आके वो नमाज में परेशान करे या नमाज ना पढ़ने दे, किसी इंसान को वो इस तरह से भटका सकता है, किसी इंसान को दूसरे तरीके से भटका सकता है। तो इस तरह के जब जहन में ख्याल आएं तो इंसान को इस्तग़फ़ार करनी चाहिए, खुदावंद आलम की पनाह चाहिए और आइमा अलैहिस्सलाम से तवस्सुल करना चाहिए कि यकीनन उनका तवस्सुल और खुदा से तवक्कुल इंसान की ज़िंदगी को बेहतरीन बना सकता है और आखिरत को भी आला बना सकता है। अगर कोई दुआ इस तरीके की, कोई ऐसा ख़ास दुआ जो इंसान पढ़ता है जिसके दिल में बहुत सुकून, कल्ब को बड़ा सुकून मिलता है, खुद यही आयत अला बिज़िक्रिल्लाह ततमय्यनुल क़ुलूब की बहुत ताकीद हुई है, आयतुल कुर्सी की बहुत ज़्यादा ताकीद हुई है कि इंसान जो उसको परेशानी होती हो आयतुल कुर्सी की तिलावत किया करे, इस्तग़फ़ार 100 बार सुबह और 100 बार शाम में अगर कोई इंसान इस्तग़फ़ार करे तो उसको बहुत सी चीज़ों से राहत मिलती है जिसमें उसको सुकून भी हासिल होगा। तो नमाज, कुरान, अज़कार के ज़रिए से अपने आप को सुकून पहुँचाने। बहुत बहुत शुक्रिया, अगर बिल्कुल वक्त इजाज़त नहीं देता। आइए नाज़रीन, हमें इजाज़त दीजिए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। आइए दुआ करते हैं। अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलीयकल फरज।